विष्णु जी का पूजन कर हम उन्हें मनाते हैं। विष्णु जी का पूजन कर हम उन्हें मनाते हैं। हम उन्हें मनाते हैं। वैशाख मास अमावस्या की कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। पितरों का ये शुभ दिन प्यारा मास सुनो वैसाख। हर विष्णु की पूजा से वरदान मिले सबका। नारायण विष्णु जी करते सबके बेड़ा पार। पितरों की पूजा से होता जन जन का उद्धार। साथ सहायक बन के रहते सबका रखते ध्यान। पितरों का पूजन ये अमावस दिन है बड़ा ही महान। गंगा के स्नान से मिलती मन को परम शांति। मास अमावस ये वैसाख की देवे है मुक्ति। ऐसे ही इस दिवस की गरिमा तुम्हें सुनाते हैं। हम तुम्हें सुनाते हैं। वैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। यज्ञ होते अनुष्ठान होते होता पुण्य दान। ब्राह्मण भोज जो भगत करावे होता है कल्याण। पितृ अगर क्रोधित हो जावे तब दिन बड़ा विशेष। दान पुण्य के करने से तब मिले दुखों की टेर। पूजन वंदन से होता है हर दिन तब त्योहार। सद्मार्ग पे ले जाता है ऐसा ही व्यवहार। इस वैसाख अमावस से ही होता बेड़ा पार। जो भी दान करते इस दिन हो जाता उद्धार। विधि अमावस की न्यारी सब ही निभाते हैं। सब ही निभाते हैं। वैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। पितरों को मुक्ति मिलती है होता है पिंडदान। दिवस अमावस का ये शुभ बेला है बड़ी ही महान। दोष पितृ का काल सर्प का दोष भी मिट जाता। पितरों को मिलती है मुक्ति यश भय भव आता। यज्ञ होम अनुष्ठान भी होता महके घर आंगन। कंचन काया हो जाती पावन होता है मन। बड़े बड़े दानी महादानी पाते हैं सुखधाम। मासी वैसाख की सुन लो ऐसी तिथि महा। दान पुण्य की क्या है महिमा तुमको बताते हैं। महिमा तुमको बताते हैं। वैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। ऋषि देव मुनियों ने मिल करके दान दिया। धर्म की आन बचाने हेतु सब कुछ वार दिया। ऋषि दधीची अस्ति दान से ऋषिवर हुए महान।
देवों के शस्त्रों के हेतु किया था ऐसा दान। राजा कर्ण दान की महिमा गरिमा बढ़ाई थी, अंत समय में स्वर्ण दंत दे रीत निभाए थे। सगर के पुरखे तारण हेतु तप भारी कीना, जप तप करते भागीरथ जी मुक्त उन्हें कीना। दान की महिमा कितनी बड़ी है तुमको बताते हैं, आइए तुमको बताते हैं। बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। धर्म वर्ण नामक एक ब्राह्मण कथा सुनाऊं मैं, जप तप बल से अपने ज्ञान से ध्यान लगाऊं मैं। उसने दीक्षा ज्ञान को पाया यही सार समझा, कलयुग में बस भजन प्रमुख है यही बात समझा। कर्म की शक्ति देखी उसने सब बल देते हैं, ये सब बातें ना हो तो मुक्ति नहीं मिलती है। ब्रह्म ज्ञान से जाना उसने जीवन का सब सार, उचित कर्म ही करता भक्त जीवन नया पा। इसी कर्म के ज्ञान को ऋषिवर सबको सुनाते हैं, ऋषिवर सबको सुनाते हैं। बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। एक दिवस वो वन में आए उपवन था देखा, ध्यान मगन होकर वो बैठे उनका ज्ञान बढ़ा। देवलोक में पहुँचे देखा होता नृत्य गान, सुरलय में संगीत था बजता बिखरी थी मुस्कान। तरह तरह के प्राणी देखे ज्ञानी और गंभीर, संयम सत्य जाग उठा था मन में पनपाधी। नर नारी ऐसे भी देखे पाप में रत कामी, उनकी दशा अभिमानी सी थी कुमारगामी। देख के दृश्य मुनिवर तब विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। करो स्नान दान लोना, इससे होगा कल्याण। करो स्नान दान लोना, इससे होगा कल्याण। मन में विरक्ति उनके जागी अंतर कर गई वास, विचलित होकर सोच रहे थे लूं अब मैं सन्यास। यही सोच कर प्रण लिया था बात लो मन में ठा, गृहस्थी अपनी तजदी उन्होंने वन में किया प्रस्थान। वन में आकर बैठ गए वो होकर तप में ली, लेकिन मन में आशिक थी करती उनको ही। सहसा ही वन को त्यागा था आगे किया प्रस्थान, जपते जाते सात्विक मन से श्री विष्णु का नाम। रटते रटते पितृलोक स्थान में आते हैं, स्थान में आते हैं। बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। करो स्नान दान लोना, इससे होगा कल्याण। करो स्नान दान लोना, इससे होगा।
परलोक का देख नजारा मन था घबराया, रोते हुए अपने पुरखों का तब था वहां पाया। कारण पूछा उनसे उन्होंने, क्यों हो तुम रे अधी, कौन से कारण दुख को सहते ऐसी कौन हती। पितृदेव तब उनसे बोले, तुमने लिया संन्यास, किसका दुख पहुंचा है हमको, मन है बड़ा उदास। हमने सोचा वंश के हेतु दोगे हमें संतान, लेकिन तुमने योगी बन के वन में किया प्रस्थान। हाल देख के उनके नैना नीर बहाते हैं, नैना नीर बहाते हैं। बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। करो स्नान दान लोना, इससे होगा कल्याण। करो स्नान दान लोना, इससे होगा कल्याण। धर्म कर्म की दीक्षा देकर उनको समझाया, पितृदेव कहाँ मानने वाले समझ नहीं आया। नीति योग की सब सन्यासी बातें थी निर्मूल, पितरों के मन को तो भक्तों था कुछ और कबूल। बात को माने धर्म वर्ण जी पाया उनसे ज्ञान, शायद इसमें भला है कोई सार गए पहचान। तब ही विरक्ति मन भुलाई तज डाला संन्यास, फिर से वो परिवार में आए करते प्रेम विला। वंश बढ़ाने की क्रिया में रत हो जाते हैं, आबो रत हो जाते हैं। बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। करो स्नान दान लोना, इससे होगा कल्याण। करो स्नान दान लोना, इससे होगा कल्याण। पुरखों ने शांति थी पाई देख के उनका काज, खुशियों से आंगन महका था छेड़ा खुशी का सा। पितरों की मुक्ति के हेतु सारे जतन किए, खोज कर आए ऋषिवर ने तब दान भी बहुत दिए। वन के सहायक साथ खड़े थे पितृ करे रक्षा, श्राद्ध जो करते इनको पहुंचता पूर्ण हो इच्छा। हर कारज के सिद्ध से पहले पितरों को दो मान, किसी काज से पा जाओगे जग में तुम सम्मान। इसीलिए तो अमावस्या की रीत निभाते हैं, आ रीत निभाते हैं। बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। करो स्नान दान लोना, धर्म वरण के दोष मिटे सब प्रित यति पाए। तर्पण करने हेतु भक्तों गंगा तट आए, पितृ पक्ष की पावन बेला ये ही सिखाती है। सुन लो ये बैसाख की मावस सबको सुहाती है, गंगा जमुना पावन जल से कर लो तुम स्नान। पूजा अर्चन कर लो जी मन से होंगे सब काम, विष्णु पूजन वंदन होता सात्विक हो आहार। सारे भगत जन बोलते इस दिन विष्णु की जय का, धाम में आकर विष्णु देव के शीश नवाते हैं, सब शीश नवाते हैं।
बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अवस ये बैसाख की पावन बड़ी सुखदाई है, महिमा तुमको सान दान की सब बतलाई है। पुण्य दान की रीत बताई जो भी महात्म है, पितृ पक्ष में सेवा दया निष्ठा का संगम है। अमावस्या बैसाख की पावन कभी कहाती है, पुण्य दान की महिमा निराली सबको सुहाती है। मावस ये बैसाख कथा जो सुनता सुनाता है, आकर महिमा इस मावस की भवतर जाता है। यही काज तो जन जन के सब भाग जगाते हैं, सब भाग जगाते हैं। बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।